एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के से टेली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरे टेली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इट मीन्स जब हम कोई भी माल, कोई भी गुड्स या कोई भी आइटम मार्केट से परचेज करते हैं, अपने सप्लायर के द्वारा हम खरीदते हैं, तो उस पर जो एडिशनल खर्चे आते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं परचेजिंग के साथ, उसे हम एडिशनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे डिलीवरी चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट चार्ज एक्सेट्रा, ये सब आपके एडिशनल कॉस्ट होते हैं जो आपके आइटम के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाते हैं। इसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारी आप पिछली वीडियो जो स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आधारित है, उसे आप जरूर देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारे वीडियोस को आप शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास को अटेंड कर पाए। तो चलिए देखते हैं टैली में हम ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। हम टैली की मेन विंडो गेटवे ऑफ टैली पर अवेलेबल है। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट को यूज करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट टैली में उसे एक्टिवेट करना होगा, और आप जानते हैं एक्टिवेशन के लिए हम फीचर्स को एक्टिवेट करना होता है, तो हम F11 प्रेस करते हैं या फिर बटन बार पर हम फीचर्स पर जाकर के क्लिक कर दें। आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत कंपनी फीचर्स ओपन होकर के आया है। इसके अंतर्गत है आपका इन्वेंटरी फीचर्स, यहाँ हम क्लिक करें या फिर हम आई प्रेस कर दें, हमारे सामने इन्वेंटरी फीचर्स का एक व्यू आ गया है, विंडो आ गई है। हमारे सामने इन्वेंटरी फीचर्स की विंडो अवेलेबल हो गई है। यहाँ से हम एंटर करते हुए आते हैं। परचेज मैनेजमेंट के अंतर्गत ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेजेस को हम यस कर लेते हैं, एंटर करते हैं, तथा कंट्रोल ए करके हम सेटिंग को सेव कर लेते हैं। एस्केप की को प्रेस करते हुए हम बैक आते हैं। हम सेटिंग को एक्टिवेट करके बैक आ गए हैं। हम चलते हैं उससे रिलेटेड एंट्री को पोस्ट करते हैं, तो उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल विल एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। उसी एंट्री को मैं इसमें पोस्ट करके आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं वीके टेलीकॉम हमारी पार्टी है, जहाँ से हम माल खरीद रहे हैं, जिसे हम सप्लायर कह सकते हैं। इससे हमने कुछ गुड्स खरीदे हुए हैं, जैसे रेडमी नोट 9 प्रो है, 5 नॉस 18,000 के रेट से, तथा सैमसंग M31 5 नॉस 17,000 के रेट से, जिस पर एडिशनल चार्ज जो है हमारा डिलीवरी चार्ज लगा हुआ है ₹500। इट मीन्स पर आइटम पर ₹250 के हिसाब से डिलीवरी चार्जेस लगा हुआ है। टोटल अमाउंट है ₹1,75,500। तो चलिए चलते हैं हम टैली में इस एंट्री को पोस्ट करके देखते हैं कि हम टैक एडिशनल कॉस्ट को कैसे यूज करते हैं, फिर हम उसकी रिपोर्ट आपको कंप्लीटली दिखाएंगे। हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर, हम एंटर करते हैं। आप देख पा रहे हैं परचेज वाउचर में हम हैं। यदि परचेज वाउचर नहीं ओपन है तो आपको F9 प्रेस करके परचेज वाउचर को ओपन करना है। आप देख रहे हैं हम इस समय अकाउंटिंग इनवाइस मोड पर अवेलेबल हैं, और हमें ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को अकाउंटिंग इनवाइस में ही यूज भी करना है। हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ हम विल नंबर डालते हैं VK-01, जो हमारा सप्लायर इनवाइस नंबर है। एंटर करते हुए आते हैं। CR क्रेडिट में हम डालते हैं VK टेलीकॉम, चूंकि हमारा सप्लायर है, सैंडरी क्रेटर है। एंटर करते हुए आते हैं। यहाँ हम कंप्लीट टोटल अमाउंट जो हमारा था ₹1,75,500 हमने यहाँ पर डाल दिया। एंटर करते हैं, चूंकि न्यू रेफरेंस एक नया खाता है। यहाँ पर हम विल वाइज डिटेल को मेंटेन करते हैं। विल वाइज डिटेल में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लें आप। वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वीडियो का लिंक रहता है, वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ परचेज सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ हम स्टॉक आइटम की एंट्री करेंगे, रेडमी नोट 9 प्रो है, 5 नॉस है, 18,000 के रेट से हम इसको परचेज कर रहे हैं, जो इसका आइटम की कॉस्ट है, जिसे हम बेसिक रेट कह सकते हैं। एंटर करते हैं। जैसे ही हमने एंटर किया, एडिशनल कॉस्ट डिटेल भरने के लिए एक विंडो आ गई है, आप देख पा रहे हैं। तो एडिशनल कॉस्टेज में हमारा क्या है, एडिशनल कॉस्ट में हमारा डिलीवरी चार्ज लगा हुआ है, जिसे हम चाहे तो परसेंटेज भी दे सकते हैं, बट हम इसे इसमें अमाउंट फिल करेंगे ₹250। एंटर करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं।
दूसरा आइटम का हम चुनाव करते हैं सैमसंग M31 जो भी 5590 है। यहाँ पर हम इसका बेसिक वैल्यू जो है, या बेसिक रेट जिसे हम कह सकते हैं, बेसिक रेट है 17,000 रुपये। उसके हिसाब से आपका बेसिक वैल्यू 85,000 रुपये हो गया। इसमें भी एडिशनल कॉस्ट हम डालते हैं डिलीवरी चार्जेस, ये भी आप 250 रुपये डाल दें। एंटर करते हैं, एंड लिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं जो हमारा एडिशनल चार्ज प्रत्येक आइटम पर ऐड हो गया है। यहीं पर आप ध्यान दें तो रेडमी नोट प्रो पर जो इसका बेसिक रेट है 18,000 है, बट एक्चुअल रेट 18,050 रुपये हो गया है। ऐसे ही सैमसंग M31 का 17,000 बेसिक रेट है, बट एक्चुअल रेट 17,050 रुपये हो गया है, क्योंकि इसमें एडिशनल चार्ज जुड़ गया है। और हमने आपको बताया आइटम का जो मूल्य होता है उसके साथ जो एक्स्ट्रा खर्चे लगते हैं उस सारे को जोड़ करके एक स्टैंडर्ड कॉस्ट जनरेट होती है जिसे हम परचेजिंग कॉस्ट कहते हैं। एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। यदि हमें बिल को प्रिंट करना है तो हमें पेजअप करते हैं और अल्ट के साथ हम पी प्रेस करते हैं जो आपके प्रिंट का शॉर्टकट है। आप देख पा रहे हैं प्रिंट का शॉर्टकट है अल्ट प्लस पी प्रेस करते हैं। अगर यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू नहीं शो हो रहा है तो आप अल्ट आई करके प्रीव्यू शो करा सकते हैं। यहाँ पर एंटर कर देते हैं, आपके सामने प्रीव्यू शो होकर के आ गया। यहीं पर हम अल्ट के साथ जेड प्रेस करते हैं तो जूम होकर के आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इनवाइस डिटेल है आपका, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में रेडमी नोट 9 प्रो 5900 18,000 के रेट से, तथा सैमसंग M31 है आपका 5900 17,000 के रेट से। तो टोटल इसका हुआ 1,75,000 रुपये। डिलीवरी चार्ज के रूप में जो एडिशनल चार्ज जुड़ा हुआ है उसको इसमें टोटल करने के बाद टोटल अमाउंट बना आपका 1,75,500 रुपये। तो हम यहाँ से बैक इसके बैक करके आ जाते हैं, बैक करके आते हैं। अब हम आपको इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट को चेक करने के लिए हम यहाँ से डिस्प्ले में आ जाते हैं, एंटर करते हैं और हम आते हैं इन्वेंट्री बुक्स पर। इन्वेंट्री बुक्स में अगर हम देखें स्टॉक आइटम को, तो आप रेडमी नोट 9 प्रो को आप चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं 5900 का 90,250 रुपये, जबकि वहाँ आपकी बेसिक जो वैल्यू थी 90,000 थी, बट यहाँ 250 रुपये ऐड होकर के आ गया है चूंकि एडिशनल चार्ज इसमें जुड़ा हुआ है। बैक करके आते हैं, या अगर हम अगले आइटम का भी देखना चाहते हैं तो यहीं से हम डायरेक्टली आइटम को चेंज कर सकते हैं। सैमसंग को भी हम यहाँ से देख लें 85,250, इसमें भी 250 रुपये आपका एडिशनल कॉस्ट ऐड है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट को हम अलग से नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बैक करके आ जाते हैं, मूवमेंट एनालिसिस पर आते हैं जहाँ हमें कंप्लीट डिटेल शो करेगा। हम ग्रुप वाइज एनालिसिस करना चाहें या आइटम वाइज करना चाहें तो हम यहाँ से आइटम वाइज कर लेते हैं। रेडमी नोट 9 प्रो पर हम आते हैं और यहाँ पर हम एंटर करते हैं। आप देख रहे हैं क्वांटिटी है 5900, बेसिक रेट है 18,000, बेसिक वैल्यू 18,000 के हिसाब से 90,000 रुपये हुआ। इसमें जो एडिशनल चार्ज जुड़ा हुआ है, एडिशनल कॉस्ट जुड़ा हुआ है, वो 250 रुपये जुड़ा हुआ है। तो इसका टोटल जो वैल्यू बना वो 90,250 रुपये बना। इट मीन्स इसका जो इफेक्टिव रेट, अब जो इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट हुआ वो है 18,050 रुपये, जबकि आप देख रहे हैं बेसिक रेट जो इसका है वो 18,000 है। एडिशनल कॉस्ट ऐड होने के नाते इसका इफेक्टिव रेट या स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया 18,050 रुपये। अगर हम सैमसंग को भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम F4 प्रेस करें या आइटम पर आकर के क्लिक कर दें। यहाँ पर हम सैमसंग M31 चुनते हैं। आप देख रहे हैं इसी तरीके से 5 पीस का बेसिक रेट है आपका 17,000 रुपये। इस हिसाब से इसका बेसिक वैल्यू जो तैयार हुआ वो 85,000 रुपये हुआ। इसमें भी एडिशनल कास्ट आपका 250 रुपये ऐड है, तो टोटल आपका वैल्यू हुआ 85,250 रुपये। इस हिसाब से जो इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट बना या इसका जो इफेक्टिव रेट हो गया आपके प्रोडक्ट का, आइटम का, पर आइटम रेट है आपका 17,050 रुपये। तो हम यहाँ से आपने चेक किया, हम बैक करके आते हैं। तो इस तरह से आपने कंप्लीटली ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज से रिलेटेड एंट्रीज को इसमें देखा, कैसे हम उसे पोस्ट करते हैं, उसकी रिपोर्ट को हम कैसे चेक करते हैं, तथा हम बिल को कैसे प्रिंट करते हैं, सारा कुछ आपने इस क्लास में जाना। तो
मैं आशा करता हूं कि आपको कंप्लीटली ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को एक से दो बार आप देख सकते हैं। तथा यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट से हमें बताएं, जिसका हम आपको उचित आंसर प्रदान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।